जस सिटी में ट्रेन आने के बाद हम लोग आराम से ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही देखते हैं भैया ट्रेन तो पूरी खाली की खाली है। आम दिनों में तो भैया पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आज पूरी ट्रेनें खाली है। आराम से हम लोग एक सीट पे बैठते हैं और ट्रेन भी अपन लोग की जस सिटी से निकल पड़ती है। अब जैसे ही ट्रेन जस सिटी स्टेशन को पार करती है ना, तो एकदम 100 की रफ्तार पकड़ लेती है और हम भी खिड़की साइड में बैठे हुए थे तो आराम से बाहर के नजारे लेते हैं। क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मजा ही आ रहा था यार। अब ठंडी हवाओं के कारण भैया हमको नींद आने लगी थी, तो हम आराम से सीट पे सो जाते हैं। वैसे ये ट्रेन केवल बुधवार के दिन ही चलती है हावड़ा से मुजफ्फरपुर के बीच। 552 किलोमीटर का दूरी तय करती है 11 घंटे 45 मिनट में। पहली बार इस ट्रेन को ना 12 जनवरी 2015 में चलाया गया था 8 साल पहले, और इस ट्रेन का नंबर हुआ 15271। और इसमें जो लोकोमोटिव लगा है ना, वेब 7 है हावड़ा का। शुरू में तो दिखाई थी, नहीं देखे थे क्या? अरे जाइए देखिए, शुरू में ही है। अब जब सो के उठते हैं ना, तो सामने हमको कई सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं। हम समझ जाते हैं कि भैया ट्रेन अपनी झाझा पहुंच चुकी है। अब झाझा एक ऐसा स्टेशन है बिहार में, स्टेशन पे से ही आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ उतर कर जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे भी बिस्किट चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। जस सिटी में भी वही हाल था और यहाँ पे भी वही हाल है।